अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हो रहा है इस वक्त? काम हो रहा है, ऑफिस में हूँ। ओह, आई एम रियली सॉरी, मैंने शायद तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। अरे नहीं नहीं, आपको सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं है। आप बताएं, घर पे सब ठीक है? हाँ, सब खैरियत है। वो एक्चुअली आज शाम मेरा और सारे में इनवाइटेड थे, तो मैंने सोचा कि तुम्हें भी इनवाइट कर लूँ। काफ़ी दिन से तुमसे मिला नहीं, बहुत दिल चाह रहा था तुम्हें देखने का। खबर, आई एम सॉरी पर मैं नहीं आ पाऊंगी। वो एक्चुअली पापा को पसंद नहीं आएगा ये सब कुछ। आई होप यू अंडरस्टैंड। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं क्यों माइंड करूंगा? मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ। इट्स ओके, चलो ठीक है, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़। सारे, तुम्हें और मीरब को तो जायदा आंटी के घर डिनर पर जाना है ना, और तुम अब तक ऑफिस में हो। घर चले जाते, थोड़ा रेस्ट कर लेते तो शाम को फ्रेश होते। हाँ, वो ताईजान भी कह रही थी कि वहाँ डिनर पे इनवाइटेड हैं, तो मैंने कहा चलो ठीक है, चले जाते हैं। तुम भी साथ चलो। अब नहीं, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं पापा के साथ आ जाऊंगी। हाँ ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। नीरब, मैंने तुमसे कहा था बेटा तैयारी कर लो। तुम्हें पता है ना, जायदा की तरफ डिनर पे जाना है, सारे भी आता ही होगा। चलो जल्दी से उठ जाओ। नीरब प्लीज, मुझे किसी के सामने शर्मिंदा मत करवाना। देखो, उन्होंने बहुत प्यार से बुलाया है, और अगर तुम नहीं जाओगी तो वो क्या सोचेंगी, मेरी तरबियत कैसी है। प्लीज मेरी जान चली जाओ। मामा, आपको पता है मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, और स्पेशली वो खावर इतना इरिटेटिंग है ना। आपने क्यों उनको हाँ कर दी मुझसे पूछे बगैर? बुरी बात है, बड़ों के बारे में इस तरह नहीं कहते, और वो तो तुम्हें इतना पसंद करती हैं, और फिर इतनी मोहब्बत से उन्होंने इनवाइट किया है। शादी के बाद तो इस तरह की दावतों पर जाना पड़ता है ना। चलो शाबाश, चली जाओ। तो मुझे दावतों पे जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, इतने बोरिंग सीन्स होते हैं। आई डोंट नो। मीरब, मेरी खातिर चली जाओ। सारी माता होगा, जल्दी से तैयारी कर लो प्लीज। फाइन, लेकिन सिर्फ आपकी खातिर। ओके, आई लव यू। चलो जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ, सारे में भी आता ही होगा। फाइव मिनट्स। ओके। आज मीरब की शादी का दूसरा दिन है, और वो मुझे हमेशा की तरह गुड मॉर्निंग का टेक्स्ट करना नहीं भूली है। इसका मतलब है कि वो वाकई मुझसे प्यार करती है, और लगता है कि अब मुझे भी उससे मोहब्बत होने लगी है। बहुत मिस कर रहा हूँ उसे मैं। जी सारा, मुझे जरा आज की अपॉइंटमेंट दिखाइएगा प्लीज। बस भी करो, कितना तैयार होगी, कब से तैयार बैठा हूँ मैं। चलें अब। तुम्हें अगर जाने की इतनी जल्दी है ना, तो प्लीज अकेले चले जाओ, क्योंकि मुझे जाने की बिल्कुल जल्दी नहीं है। गाड़ी में तुम्हारा इंतजार करूं। मेरे प्लीज एक बात का ख्याल रखना, घर में तुम्हारा मेरे साथ जो भी बिहेवियर है, जायदा आंटी के घर पे मेरे साथ कोई मिसबिहेव मत करना।
नहीं तो उन्हें हमारे रिश्ते की हकीकत मालूम हो जाएगी। मैं ये सब तुमसे सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ज़ायदा आंटी ताईजान की बहुत अच्छी दोस्त है। अगर तुमने वहां पर मुझसे कोई मिसबिहेव किया तो उनकी तरबियत पे हर्फ आएगा। अभी मैं तुम पे छोड़ता हूँ, तुम क्या करना चाहती हो और क्या? And you know what? मुझे ऑलरेडी पता है, तुम्हें मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। माशाल्लाह तुम दोनों की जोड़ी ना चांद सूरज की जोड़ी है, बहुत प्यारे लग रहे हो एक साथ। अल्लाह ताला तुम दोनों की जोड़ी हमेशा खुश और आबाद रखे। आमीन। बिल्कुल ठीक कह रहे बेगम आप। रोमाना भाभी ने हीरे जैसा दामाद तलाश किया अपनी बेटी के लिए। बहुत अच्छे हो बेटा। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे। अरे नहीं बेटा, वाकई सच है, तुमने रियाज भाई का सहारा बनके बेटी होने का हक अदा किया है। बहुत अच्छी तरबियत की है उन्होंने तुम्हारी। अच्छी तरह। थैंक यू। वैसे तो खावर का बिजनेस भी अब स्टार्ट होने वाला है और बहुत जल्द मैं आ रही हूँ इसकी शादी के डेट फिक्स करने माँ के साथ। कैसी बातें करी है मामा आप? सारिम एक तो बाकी बहुत अच्छा बिजनेसमैन है, दूसरा ये कैसे अपना नफा नुकसान अच्छी तरह संभालूंगा। शायद यही वजह है कि इन्होंने रियाज अंकल की लाडली को अपनी मोहब्बत में गर्विदा बनाया हुआ। तुम भी ना बेटा, बेटा बुरा मत मानना, इसको तो मजाक करने की आदत है। तुम लोग अपना खाना फिनिश करो, फिर मैं अच्छी सी कॉफी बनवाती हूँ। नो थैंक्स आंटी, हम लोग कॉफी नहीं पीते। एंड आई गेस हमें चलना चाहिए, राइट? थैंक यू सो मच। ये खावर मुझे हमेशा टीज करता है, ज़हर लगता है मुझे। पता नहीं बड़े पापा को उसमें क्या पसंद आ गया कि माँ का रिश्ता तय कर दिया उसके साथ। वो उसके लायक बिल्कुल भी नहीं। बुरा तो मुझे भी बहुत लगता है वो, बट यू नो व्हाट, तुमसे ज्यादा नहीं। तुम तो वो इंसान हो जिसको जबरदस्ती मेरी जिंदगी पे मुसल्लत कर दिया गया है, जिसके साथ रहना मेरी मजबूरी के सिवा और कुछ भी नहीं है। एंड ऑनेस्टली मेरे लिए ये ज्यादा इरिटेटिंग। तो यही समझ नहीं आ रहा कि तुम आखिर करना क्या चाहते हो, तुम्हारी ऐसी बातों का मतलब क्या है? कैसी बातें? क्या जरूरत है तुम्हें मेरब के सामने सारिम के बिजनेस की बात करने की? बेटा अभी तुम्हारी और माम की शादी नहीं हुई है, वैसे भी बेटा ऐसी बातों से तंजिया गुफ्तगू से बिगाड़ खाते पैदा होते हैं और कुछ नहीं। अरे मैं कोई सीरियस थोड़ी था, ऐसी बस मजाक कर रहा था और क्या। बेटा मजाक करने का कोई वक्त होता है, मौका महल देखकर मजाक किया जाता है, और अब तुम उस घर के होने वाले दामाद हो, तुम्हें अपना एक अच्छा इमेज बनाना है ना उनके सामने। अगर इस तरह की गुफ्तगू करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। खावर बेटा तुम्हारी मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है, अगर सारिम और मीरब को तुम्हारा मजाक बुरा लगाओ तो सोचो कि तुम्हारे ससुराल में तुम्हारी क्या वैल्यू रह जाएगी, और अगर मां को पता चला तो बेटा वो भी माइंड करेगी। बेटा तुम तो समझदार हो, सोच समझ के बात करनी चाहिए, स्पेशली ससुराल वालों के सामने। अच्छा अच्छा बाबा, मुझसे गलती हो गई, आई एम रियली सॉरी, मैं आइंदा ऐसी कोई बात नहीं करूंगा। ठीक है चलो, ठीक है
अच्छा चलो चाय पियो अपनी, लेकिन आइंदा ख्याल रखना। नीरव की शादी को अभी 2 दिन हुए और वो अपनी मैरिड लाइफ में इतनी बिजी होगी कि मेरी फोन कॉल तक रिसीव नहीं कर रही। कब से उसका नंबर ट्राई कर रही, उसे तो अंदाजा भी नहीं कि मैं उसे कितना मिस कर रहा हूं। मुझसे दूर चली गई तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं उसके बगैर रह नहीं सकता। कितनी मोहब्बत करने लगा हूं ना उससे। वालेकुम अस्सलाम। आइए सारिन बेटा, नाश्ता कर लीजिए। नहीं मुझे भूख नहीं है, ऑफिस में भी देर हो रही है, मैं पकड़ लूँगा। अच्छा बेहतर। बुरा तो मुझे भी बहुत लगता है वो, but you know what? तुमसे ज़्यादा नहीं। तुम तो वो इंसान हो जिसको जबरदस्ती मेरी जिंदगी पे मुसल्लत कर दिया गया है, जिसके साथ रहना मेरी मजबूरी के सिवा और कुछ भी नहीं है। एंड ऑनेस्टली मेरे लिए ये ज्यादा इरिटेट है। फजीलत बीबी जी, सारिम कहाँ है? नाश्ता कर लिया उसने? नहीं बेगम साहबा, वो तो बगैर नाश्ते के ही चले गए। कह रहे थे कि उनको भूख नहीं है। अच्छा ठीक है, आप जाइए। जी बेहतर। मीरब तुम कैसी बीवी हो? सारिम नाश्ता किए बगैर चला गया ऑफिस और तुम यहाँ बैठी नाश्ता कर रही हो मजे से। मॉम आप मुझे क्यों डांट रही हैं? अब इसमें मेरा क्या कसूर था कि उसको भूख नहीं थी? कसूर तुम्हारा ही है मीरब। सारिम जब सुबह ऑफिस के लिए निकलता है तो तुम उस वक्त पड़ी सो रही होती हो। अगर तुम जाग रही होती तो तुम उसे रोक सकती थी ना। कम ऑन मॉम, आप पता नहीं किस जमाने की बातें करना शुरू हो जाती हैं। मैं ये मिडिल क्लास वाइफ्स की तरह अपनी नींद बर्बाद करके सारिम के आगे पीछे नहीं घूम सकती। अगर उसे नाश्ता करना है तो खुद कर लिया करे। इसमें मिडिल क्लास बीवी वाली क्या बात है? अगर शोहर से मोहब्बत हो तो उसे उसका ख्याल रखना होता है। लेकिन आप जानती हैं कि मैं सारिम से मोहब्बत नहीं करती और ये बात आप अच्छे तरीके से जानती हैं। सारिम, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं, मैं ठीक हूँ। अच्छा तो फिर कब से इंटरकॉम बज रहा, उठा क्यों नहीं रहे? वो ध्यान ही नहीं गया उसकी तरफ। तुम कुछ छुपा रहे हो, मीरब से झगड़ा हुआ है तुम्हारा? हाँ, मुझे अंदाजा नहीं था मीरब समीर की वजह से मुझसे नफरत करती है। ताजान की मोहब्बत की वजह से मैंने उसको नफरत बर्दाश्त करना कबूल की, मगर जब वो मेरी बेइज्जती करती है ना, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। ताजान के एहसानों तले दबाऊं क्या? एहसान का बदला मुझे सारी जिंदगी अपनी तजलील करवा के ताना पड़ेगा? देखो सारे,
तो अपना दिल छोटा मत करो। मेरा अभी इमोशनल हो रही है, जब उसे अपनी गलती का एहसास होगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम रिलैक्स करो। थैंक यू फॉर बीइंग देयर। एटलीस्ट तुम हो, तुमसे बात करके अपने दिल का बोझ हल्का कर सकता हूँ। दोस्त होते ही इसीलिए। मीरा, तुम मेरी कॉल्स क्यों नहीं ले रही हो? कब से तुम्हारा नंबर ट्राई कर रहा हूँ, तुम इग्नोर कर रही हो ना मुझे? कम ऑन सैम, तुम इतने हाइपर क्यों हो रहे हो? काम डाउन। मैं नीचे ब्रेकफास्ट कर रही थी, फोन रूम में पड़ा हुआ था। काम डाउन, 2 दिन हुए शादी को और तुम मुझे अभी से भूल रही हो? तुम तो कहती थी कि तुम मेरे सिवा किसी से प्यार नहीं कर सकती। मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ सैम? मैं तुम्हारे अलावा और किसी से कैसे प्यार कर सकती हूँ? तुम्हारी जगह तो मैंने सारम को भी नहीं दी और ना ही कभी दूंगी। लेकिन अब तुम्हारी शादी हो चुकी है मेरा, और सारम हस्बैंड है तुम्हारा। लेकिन मैं उससे नफरत करती हूँ सैम, ना ही मैंने उसको कबूल किया है ना ही उस शादी को। और ये शादी मैंने तुम्हारे कहने पर और पापा की खुशी के लिए की थी। तुम जब मुझे कहोगे मैं उसको छोड़ दूंगी सैम। रियली मीरा, तुम सच कह रही हो? क्यों, मैं मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। देखो मीरा, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। कोई भी बहाना करो, कुछ भी करो, बहुत मिस कर रहा हूँ, प्लीज मुझे मिलना एक दफा। कम ऑन सैम, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं भी तुमसे मिलना चाहती हूँ, लेकिन अभी इट्स टू डिफिकल्ट फॉर मी। और सुनो, तुम मुझे कॉन्टेक्ट मत करना, मैं खुद तुम्हें कॉल करूंगी। अभी मुझे फोन रखना होगा। ओके, अच्छा सुनो, आई लव यू। आई लव यू टू सैम। बाद में बात करती हूँ, बाय। मामा, आप प्लीज टेंशन मत ले, आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। तो और क्या करूँ मामा, मेरा अभी तक उस डर्मेटोलॉजिस्ट की मोहब्बत में गिरफ्तार है जिसने शादीशुदा होने के बावजूद एक मासूम लड़की को हमेशा धोखे में रखा। मामा, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा मामा, वो तो उसे अपना शौहर ही नहीं समझती, उसका ख्याल नहीं रखती बिल्कुल भी। मुझे नहीं समझ आती इन दोनों का रिश्ता आगे कैसे बढ़ेगा। और फिर एक ही घर में रहते हुए मीरब और सारिम के बारे में तुम्हारे पापा को पता ना चले, ये कैसे हो सकता है? आप ठीक कह रही है, मगर सारिम है ना, वो कुछ गलत नहीं होने देगा।